तो सारा सामान कम साफ कर लिया। आप चलिए एक एक सामान असेंबल करते हैं। ये देखिए, ये जैसे हम लीवर को प्रेस कर रहे हैं तो सही से काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पर लग रहा है फ्री काम कर रहा है लेकिन लीवर के पास काम नहीं कर रहा है, जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए, और ब्लॉकेट का भी प्रॉब्लम आ रहा है, ब्रेक का, तो ये आपका लॉक हो जा रहा है फिर छोड़ नहीं रहा। ये देखिए, अभी ये छोड़ा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ब्लॉकेट का प्रॉब्लम आ रहा है। सो दोस्तों, फाइनली डिक्स बॉक्स जो है हम खोल दिए हैं, और जो नॉइस वगैरह का प्रॉब्लम आता है ना वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। आपका मदद सबको इस तरह से खोल लेना है। ये देखिए, ये हमारा खुल गया। यहाँ से वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है, जरा सा भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से डिक्स मशीन को जो है सर्विस किया जाता है। अब फिटिंग का प्रोसेस क्या रहेगा वो हम आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों, क्या आपके पास एक ड्यूअल डिक्स ब्रेक वाली साइकिल है? अफकोर्स आपके पास होगा। डिक्स ब्रेक में प्रॉब्लम आया तभी आप ये वीडियो को क्लिक करके देख रहे हैं, तो आप सही वीडियो को क्लिक किए हैं और सही वीडियो को देख रहे हैं। इस वीडियो में आपका जो भी प्रॉब्लम है डिक्स ब्रेक का अकॉर्डिंग में, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा, मेरा इसका गारंटी है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एक साइकिल मैकेनिक है। जो भाई न्यू आए हैं, जो नहीं जानते हैं, तो उनको बताना चाहेंगे भाई हम एक साइकिल मैकेनिक है और हमारे चैनल पे साइकिल से जुड़ा हुआ नॉलेज वीडियो मिलता है आप लोग को। तो ये साइकिल का डिस्क ब्रेक में क्या प्रॉब्लम हुआ है उससे पहले बताना चाहेंगे। ये जो साइकिल है हमारा एक कस्टमर का साइकिल है, तो उन्होंने हमें दिए ये साइकिल में जो भी डिस्क ब्रेक में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को ठीक करेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे, आप लोग को भी बताएंगे, ताकि आप लोग का साइकिल में इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। अगर होता है तो आप लोग इजिली अपने घर में ही ठीक कर ले। तो सबसे पहला चीज़ आ जाता है, जैसे इसका हम पीछे वाला ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं, रियर ब्रेक को, तो वायर बहुत ही ज़्यादा जाम बता रहा है। हालांकि वायर जो है इसका देखने में सही लग रहा है, लेकिन जो है जाम का प्रॉब्लम आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने से। देखिए, ये देखिए, ये जैसे हम लीवर को प्रेस कर रहे हैं तो सही से काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पर लग रहा है फ्री काम कर रहा है लेकिन लीवर के पास काम नहीं कर रहा है, जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए, और ब्लॉकेट का भी प्रॉब्लम आ रहा है, यानी जैसे हम लीवर को प्रेस कर रहे हैं ब्रेक का, तो ये आपका लॉक हो जा रहा है फिर छोड़ नहीं रहा। ये देखिए, अभी ये छोड़ा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ब्लॉकेट का प्रॉब्लम आ रहा है। तो डिक्स बॉक्स को आज हम जो है अच्छे से वॉश करेंगे, वॉश करके आप लोग को दिखाएंगे कि डिक्स मशीन किस तरह से सर्विस किया जाता है, और वायर अगर ख़राब हो जाता है, हालांकि फ्रिक्शन फ्री जो वायर होता है जल्दी ख़राब नहीं होता है, अगर आप उसे अच्छे से ऑयलिंग कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, फिर आप दोबारा रीयूज में ले सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी अच्छी तरीका से आप लोग को सीखने को मिलेगा और जानने को भी मिलेगा। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, जिस तरह से वीडियो आपका काम आएगा उस तरह अधिक व्यक्ति का भी आएगा। सो दोस्तों, फाइनली डिक्स बॉक्स जो है हम खोल दिए हैं। फटाफट पहले वॉश करते हैं और फिर पूरा डिक्स मशीन को खोलेंगे और सर्विसिंग करके आप लोग को दिखाएंगे, और जो नॉइस वगैरह का प्रॉब्लम आता है ना वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें भी आपका नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था, जैसा कि आप लोग वीडियो में सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। चलिए, ये हमारा साफ हो गया। अब क्या करना है, 4th mm एलंकी स्पेनर लेना है, और ये जो लीवर आप देख रहे हैं, ये लीवर का नट को इस तरह से खोल लेना है, ये आपका इजीली खुल जाएगा। खोलते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। इस तरह का कोई भी एक जुगाड़ लेना है, और जुगाड़ का मदद से आपको इस तरह से खोल लेना है। ये देखिए, ये हमारा खुल गया, ठीक है। अगर नहीं खुलता तो फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा ये सब नट ज़्यादा ही फुल टाइट आता है, जाम का प्रॉब्लम भी रहता है, तो हल्का हल्का इस तरह से आपको ठोक लेना है, नट दोनों ही, ठीक है, इजीली खुल जाएगा। चाहे डिक्स का ये दोनों नट हो, फ्रंट नट हो या फिर बैक साइड का नट हो, ठीक है, इजीली खुल जाएगा। तो चलिए फटाफट आप खोल लेते हैं। जो रोटर रहेगा इसे भी अच्छे से डिटर्जेंट पाउडर से अच्छे से साफ कर लेना है, जिस तरह से आप देखें, अगर ऑयल वगैरह का मात्रा रहेगा, धूल मिट्टी का मात्रा रहेगा, तो वो क्लियर हो जाएगा, फिर नॉइस वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सूखा कपड़ा से अच्छे से साफ कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेपर लेने के बाद ये जो रोटर रहेगा हल्का हल्का रफ कर देना है, ठीक है, इस तरह से घिसाई कर देना है दोनों ही साइड से। उसके बाद दूसरा साइड से इस तरह से घिसाई कर देना है। चलिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब डिक्स मशीन को फिट करते हैं।
दोस्तों कपड़े का मदद से अच्छे से सारा पानी को साफ कर लेना है। तो सारा सामान कम साफ कर लिया, आप चलिए एक सामान असेंबल करते हैं। यहाँ से वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है, जरा सा भी स्किप नहीं करना है ना फास्ट करना है, ठीक है, नहीं तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और हाँ, अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे, नहीं किए तो वो भी कर लीजिए। तो देखिए, जैसे आप डिक्स मशीन को खोलेंगे, किसी भी कैटेगरी का डिक्स बॉक्स को खोलेंगे, डिक्स मशीन को, ठीक है, सब में सेम प्रोसेस रहेगा जिस तरह से ये वीडियो में हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत यानी ये मॉडल का फ़र्क रहेगा, डिज़ाइन का फ़र्क रहेगा, लेकिन प्रोसेस जो रहेगा सेम रहेगा मैकेनिकल डिक्स ब्रेक का। तो इसमें एक इस तरह का प्लेट दिया जाता है, ठीक है। तो इसे आपको क्या करना, सेम टू सेम घाट में इस तरह से फिट कर देना है। ये हमारा फिट हो गया। उसके बाद ये जो 3 बल्ब्स रहेगा, ये बल्ब्स को आपको देख लेना, ठीक है। ये देखिए, एक बल्ब जो है पूरा रस्ट लगा हुआ है, ये इसमें भी रस्ट लगा हुआ है, ये वाला भी क्लियर है, नहीं ये भी रस्ट लगा हुआ है। 3 बल्ब्स इसका ख़राब हुआ तो न्यू बल्ब्स ले लेना है। ये बल्ब्स का साइज स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो इधर में हम जो है सेम साइज का 3 बॉल्स ले लेते हैं, ठीक है, यानी 3 को गोली ले लिए हैं। ये देखिए, 3 इधर में है और 3 इधर में है। ये बॉल्स का जो साइज रहे इसमें देखिए हम लिख के रखे हैं 316, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये 3 बॉल्स को इस तरह से घाट में बिठा देना है, जैसा कि देख रहे हैं, देखिए घाट में बिठा दिए। उसके बाद ये जो लीवर रहेगा, ठीक है, रोटेबल लीवर रहेगा, इसमें क्या करना, बाइक का इंजन का न्यू ऑयल का उपयोग करना है। अगर आपके पास ग्रीस है, अच्छा वाला ग्रीस है, तो फिर आप ग्रीस थोड़ा थोड़ा लगा सकते हैं, लेकिन ऑयल देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये देखिए, तीनों घाट में जो हल्का हल्का हम एक एक बूंद ऑयलिंग कर दिए, ठीक है। ऑयलिंग करने के बाद इस तरह से हम फिट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, हम फिट कर दिए, ये देखिए बैठ गया आपका, और ये देखिए परफेक्टली मूविंग कर रहा, कोई भी दिक्कत, हम आप लोग को एक बार खोल के दिखाते हैं। ये देखिए खोल दिए, तो ये देखिए अहो ओहो, ये देखिए ये प्लेट बाहर आ गया। तो चलिए, प्लेट बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेट को फिर से हम बिठा देंगे, फिर से बाल को इस तरह से बिठा देंगे, बाल्स को ये देखिए बिठा दिए, और फिर से हम इसको बिठा देंगे। ये होगी हमारा कंप्लीट, ठीक है। ज़्यादा ऑयल नहीं देना है दोस्तों, ज़्यादा मात्रा में अगर आप ऑयल देंगे तो फिर क्या होगा कि डिक्स पेड में ऑयल आ जाएगा, और डिक्स पेड को थोड़ा थोड़ा घिसाई कर लेना है, ठीक है, सीरीज पेपर की मदद से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा घिसाई कर लेना। तो ये हम ऑलरेडी घिसाई कर लिए हैं। लीवर फिट करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं, ये सिस्टम को इस तरह से फिट करना है। इस तरह से फिट करने से पहले डिक्स ब्रेक जो रहेगा आपका, ठीक है, डिक्स ब्रेक में ऑयल नहीं लगना चाहिए। देखिए थोड़ा थोड़ा माइनर ऑयल लग गया, हमारा हाथ में लगा हुआ था, तो ये चीज़ का ध्यान देना है। तो सबसे पहले ऑयल को रिमूव कर लेते हैं, फिर से एक बार हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं और हल्का सा घिसाई कर देते हैं। बैक साइड का जो चैम्बर रहेगा, ठीक है, डिक्स मशीन का ये चैम्बर का जो ये नट रहेगा, ये आपका टाइट रहता है इस तरह से, ठीक है, कई बार नहीं रहता। ये देखिए इस तरह से टाइट रहता है, तो ये आपका खुल रहा है, ठीक है। तो इसे आपको पूरा इस तरह से खोल लेना है, ठीक है, इन्हें पीछे साइड से। ये देखिए हम खोल लिए, ये चीज़ को मिला लेना है, ये नट को, ठीक है, ये हमारा हो गया कम्प्लीट। अब डिक्स जो पेड रहेगा, डिक्स पेड को इस तरह से आपको फिट करना है। ये देखिए, एक घाट में इस तरह से बैठेगा और दूसरा घाट में इस तरह से बैठेगा आपका, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान से समझें, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा हो गया कंप्लीट। और यहाँ पर डिक्स पेड को फिट करते समय आपको लेफ्ट राइट का ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो रहेगा, ये आपका इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो इधर में हमारा घर्षण ज़्यादा है ये साइड में, तो ये हमारा इस तरह से फिट होगा, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। ये चीज़ का ध्यान देते हुए आपको फिट करना है। जब आप खोलेंगे उसी टाइम आपको ये चीज़ का ध्यान देना है, और फिर आपको इस तरह से फिट करना है। ये देखिए इस तरह से बिठाएंगे तो ये आपका इजीली बैठ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा फिट बैठ गया, ठीक है। और जो नट खोलेंगे, नट को इस तरह से फिट करना है। तो नट फिट करते समय एक काम करना है आपको, एक एक बूंद ऑयल डालना, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक बूंद, ठीक है, थ्रेड में दे देना है, ताकि अच्छे से नट आपका टाइट हो जाए, और इन फ्यूचर कभी खोलते हैं तो ईजिली खुल भी जाए और टाइट भी हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, जाम उम नहीं होगा। तो इस तरह से आपको टाइट कर लेना है। ये देखिए, एक टाइट कर दिया, अब दूसरा टाइट करते हैं। ये देखिए, डिक्स पेड का ध्यान देना है दोस्तों, ठीक है, यानी लेफ्ट वाला राइट साइड में नहीं होना चाहिए, राइट वाला लेफ्ट साइड में नहीं होना चाहिए, फिर दिक्कत करेगा, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान देते हुए फिट करना, और फुल टाइट आपको दे देना है। ये देखिए, हम फुल टाइट दे दे रहे हैं, ये हमारा फुल टाइट हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ऑयलिंग करते समय ध्यान देना है कि डिक्स पेड में ऑयल ना लगे, हम बार बार एक ही चीज़ आप लोग को रिपीट करके बोल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब ये लीवर को फिट करना है। लीवर को फिट करने से पहले ये जो डिक्स ब्रेक का अपोजिट नट को उसे हम पूरा खोल दिए हैं, ठीक है, हमें फिट करने में सुविधा हो इस तरह से।
ठीक है, ये हमारा हो गया कंप्लीट। उसका जो स्प्रिंग रहेगा, स्प्रिंग को ले लेना है और इस तरह से यहाँ पर देखिए एक छोटा सा होल बना हुआ है, ठीक है, ये होल में इस तरह से स्प्रिंग आपका फिट होगा। स्प्रिंग हमारा फिट हो गया, उसके बाद लीवर का ये वाला होल में आपका एक सेट का स्प्रिंग इस तरह से फिट होगा, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखना है, देखिए इस तरह सबको फिट करना है और फिट करते समय हल्का सा अंदर की ओर प्रेस करना है और ये चीज़ को ध्यान देना, ठीक है, हल्का सा, मायने ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखिए ये प्रेस करना है और इसको इस तरह से फिट करना है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ये ना ये आपका सीधा इस तरह से फिट करना है, इस तरह से नहीं फिट करना है, ठीक है, ना इस तरह से फिट होगा, ना इस तरह से फिट होगा, ना इस तरह से फिट होगा, ठीक है। ये जब भी होगा फिट आपका इस तरह से फिट होगा, यानी ये जो बोल्ट आप देख रहे हैं बोल्ट का थोड़ा सा इस तरह से फिट होगा, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा में फिट होगा, इस तरह से फिट करना है। ये देखिए ये आपका प्रॉपरली जाकर के घाट में बैठ गया, ठीक है, दिक्कत नहीं आया। उसके बाद क्या करना है, ये जो नट रहेगा नट को आपको टाइट कर देना है। ये नट में होगा तो आप ऑयल कर दें, नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह से आपका जो है डिस्क मशीन अच्छे से सर्विस हो जाएगा और फिटिंग भी इस तरह से हो जाएगा। और ये नट को आपको फुल टाइट देना है, हद से ज़्यादा नहीं देना है। फुल टाइट लगे कि हो गया तो फिर आपको छोड़ देना है। ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है, जैसा कि देखते हैं।